आज हम बनाने जा रहे हैं यखनी पुलाव। तो इसमें ऐड करने के लिए देखिए, सबसे पहले इधर ये 1.25 किलो चावल है, तो इसको धो करके इस तरह से छान लेना है। इसको कम से कम 2 घंटा हो गया इसको धो करके छान के। और इधर देखिए 1.25 किलो गोश्त भी है, मटन है, मतलब आज मटन यखनी पुलाव बनेगा। और इधर देखिए ये मतलब मसाला है, इसमें जाएगा। और इधर बघार के लिए देखिए ये 2 तेज पत्ता है, थोड़ा सा दालचीनी है, 3 छोटी इलायची है और 3 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, थोड़ा सा जीरा है, इसे बघार के लिए है। और इधर मटन के लिए देखिए थोड़ा सा लहसुन का रस किया हुआ है 25 ग्राम, थोड़ा सा अदरक का रस किया हुआ है। और इधर ये 2 कांधा मैं काटी हूँ, तो इससे हम बघारेंगे, ये भी फ्राई किया जाएगा। और ये 15 हरी मिर्ची है। और इधर मटन के लिए देखिए ये कम से कम 25-26 ये काली मिर्च है, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, 1 तेज पत्ता है, और ये 5-6 ये लौंग है, और ये 2 टुकड़ा दालचीनी का है। और यखनी के लिए देखिए ये 25 ग्राम के अंदाज ये धनिया है, और इतना ये देखिए थोड़ा वो है सौंफ है। और आप अपने मटन के हिसाब से, मतलब जितना मटन है वही हिसाब से आप सब सामान ले लीजिएगा। और इधर देखिए ये दही है और ये गुलाब जल है, ये सब इसमें ऐड होगा। तो सबसे पहले उसको पहले हम करस कर लेंगे। इसमें हरी मिर्ची का रस किया जाता है और बाकी के कोई मसाला नहीं जाता है। थोड़ा संभाल करके करस करना है, वो क्या आँख में जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए मटन के हिसाब से, जैसे 1.25 किलो मटन है तो हिसाब से नमक लेना है। तो हम ये जो मिर्ची करस कर रहे हैं ना, उसमें हम ऐड कर देंगे, क्योंकि मिर्ची करस करने में थोड़ा तकलीफ होता है इसके लिए। तो इस तरह से, और चावल बघार के लिए हम मिर्ची ये नमक बाद में लेंगे। बड़ी बड़ी मिर्ची है तो आप टुकड़ों में काट सकते हैं, काट करके इस तरह से ऐड कर दीजिए। देखिए नमक डाल देने से करस करना एकदम आसान हो गया, आसानी से हो गया। तो इस तरह से करस कर लीजिए। अब इसमें केसर भी जाता है, लेकिन आज हमारे पास केसर नहीं है, तो आप अगर बनाइएगा तो इसमें केसर भी डाल लीजिएगा। कलर का कपड़ा है तो आप कौन से भी बारीक कपड़ा ले सकते हैं, और अच्छा साफ रहना चाहिए कपड़ा। और इसमें देखिए धनिया मैंने ऐड कर दी हूँ, सौंफ ऐड कर दी हूँ, और इसको हम बांध देंगे। आप चाहे तो धागा से भी बांध सकते हैं, अगर कपड़े से जम रहा है तो आप कपड़े से भी बांध सकते हैं। इस तरह से देखिए बांध देना है। अब हम पकाने की तैयारी करेंगे। तो यखनी पुलाव के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने इधर कम से कम 1.25 लीटर पानी गर्म करी हूँ, इसमें ऐड करना है, और चावल बघार के बनाना है, और 90% ही पकाना है, क्योंकि जो बाकी के है ना वखनी की जो मसाला आएगा ना उससे पकाएंगे। देखिए टोप चढ़ा दी, टोप गर्म हो गया है, तो इसमें हम घी भी ऐड करेंगे और तेल भी ऐड करेंगे। आप चाहे तो घी में तेल में दोनों में बना सकते हैं, खाली घी में भी बना सकते हैं, तेल में भी बना सकते हैं, हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक चावल ज़्यादा है तो हम 2 चम्मच तेल लेंगे, इसको अच्छा गर्म होने दीजिए। अब यहाँ पर हम ये जो कांधा कटा हुआ है इसको हम ब्राउन कलर का फ्राई कर लेंगे, और इसी में हम चावल भी बघार लेंगे। और इसमें देखिए 1.25 किलो चावल है, तो चावल के हिसाब से हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे, यहीं पर ऐड कर देंगे। इसको ब्राउन कलर का भूनना है तो जल्दी से ब्राउन कलर का भून जाएगा नमक से, और यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करेंगे। अब ये देखिए ब्राउन कलर का हो गया, ये कांदे को हम छान लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए मेरे पास जीरा है, सब मसाला है जो भी है, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे जब तक ये शायद में होता रहेगा। कांदा हम निकाल लेंगे, दो तेज पत्ता इसको भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा भी नहीं डालता। और इधर देखिए चावल है, चावल भी ऐड कर देंगे। चावल इस तरह बनाने से क्या होता है, खाना जल्दी ख़राब नहीं होता है, अगर ज़्यादा भी थोड़ा बन गया तो आप बाद में भी खा सकते हैं, और खाना बहुत ही सही बनता है माशाल्लाह।
हम थोड़ा भूलेंगे यहाँ पर 1 मिनट के लिए। और ये चावल को हम 90% ही पकाएंगे, 1% अखनी के लिए जो पानी आएगा ना उसमें पकाएंगे। अभी देखिए चावल बन के तैयार। अब यहाँ पर हम गर्म पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा मेरे किचन में जगह कम है, थोड़ा कष्ट हो जाता है, सॉरी आप लोग माफ़ कीजिएगा कोई गलती हो गई तो। देखिए चूल्हा फास्ट रखना है आपको। अभी हम इसको ढक्कन डाल के 5 मिनट के लिए चूल्हा फास्ट करके छोड़ देंगे। और जब तक हम इधर ये वाली चूल्हा को जलाएंगे, बड़ा चूल्हा जलाएंगे, और वहाँ पर चावल चढ़ा देना है पकने के लिए। और देखिए इस तरह से एडजस्ट करके भी पकाने का खाना। और इसी टोप में हम मटन, अभी देखिए टोप गर्म हो गया, हिसाब से तेल ले लेंगे क्योंकि मटन में ऑलरेडी चर्बी ज़्यादा है, तो तेल कम ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। अभी देखिए तेल अच्छा गर्म हो गया, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा जो मसाला है मेरे हाथ में, ये मसाला को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और ये जो गोश्त है गोश्त हम ऐड कर देंगे। अब ये मटन है तो हम मटन को ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि इसको कुकर में अच्छे से गलाना है। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से आजीजी वाला खाना बनाएंगे। अभी देखिए ये हो गया। अब देखिए इधर पे ये लौंग है और काली मिर्च वो भी ऐड कर देंगे यहाँ पर। और इधर दही है तो दही हम हिसाब से ले लेंगे, दही कम से कम 100 ग्राम लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो मसाला है फर्स किया हो, ये सब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये जो मसाला है ये सब हम यहीं पर आज ऐड कर देंगे, ये पैकेट ऐड करेंगे क्योंकि ज़्यादा है मटन। और ये बकरीद स्पेशल है तो मेरे पास थोड़ा समय नहीं था, इसलिए लेट हो गया बनाना, आज बना रही हूँ। कुकर है इसमें मैंने घर के लिए खाना बनाई हूँ, तो तेल उनका है, चिकन ही बना था घर के लिए, तो इसी में हम इसको उबालेंगे मटन को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मटन इसमें पलट लेना है कुकर में। ये फरस करी की मिर्ची में है तो इसको धो जाके इसमें ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा हल्का गर्म करके और मटन में ऐड कर देंगे। यखनी के लिए पानी ऐड करना पड़ेगा, तो देखिए कम से कम 1/2 किलो पानी ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करके थोड़ा मिला लेना है यहाँ पर। और यहाँ देखिए यखनी के लिए जो भी मसाला मैं बनाई थी, बांध करके रखी थी, तो इसको हम यहाँ पर देखिए ऐसे ऐड कर देंगे, नीचे की तरफ दबा देंगे। ये प्रेशर कुकर है, इसे हम 1/2 घंटा गलाएंगे चूल्हा फास्ट रख करके। पहले सीटी आने तक का फास्ट रखेंगे, उसके बाद हम बारीक कर देंगे। अभी चावल देख लेते हैं, चावल को हम पकाना है ना, तो ये चावल इस तरह से माशाल्लाह चावल भी तो अच्छा बना है। और चावल लॉन्ग राइस था, अच्छा महंगा वाला था। अभी चावल है तो इसको हम 1/2 मिनट और पकाएंगे, चूल्हा थोड़ा बारीक कर देंगे। अब ये देखिए चावल बन के तैयार हो गया, तो इसको हम गोश्त पकने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद में यखनी पुलाव बनाएंगे। अब ये देखिए मटन पक के तैयार हो गया, यहाँ पर हम चूल्हा बंद कर देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे ठंडा होने का। अब देखते हैं कैसा बना है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको हम अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। और ये जो यखनी का मसाला था बांध के रखी थी, इसको निकाल लेना, हटा लेना है यहाँ।
अब ये देखिए यहाँ पर छन्नी में रखी हूँ, तो हाथ संभाल करके छान लेना है इस तरह से छन्नी रख करके। ये छान के हो गया, तो अब यहाँ देखिए चूल्हा मैंने चालू कर दी हूँ, बारीक है तो चावल मैंने कच्चा पक्का पकाई थी, बहुत ही कच्चा चावल है। तो अब ये जो यखनी का जो पानी है तो इससे हम चावल को और पकाएंगे, चूल्हा यहाँ पर हम खास कर देंगे, ये पानी इसमें हम ऐड कर देंगे, सभी पानी ऐड कर देना है। चावल इसलिए जल्दी पका लिए पहले कि थोड़ा पकाने में आसान हो जाएगा, नहीं तो खाना बनने में बहुत देर हो जाता है, इसके लिए इसको मिला लेंगे थोड़ा। अब देखिए चावल में जोश आ गया मतलब, तो अब हम यहाँ पर जो मटन है मटन में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज की रेसिपी है मटन यखनी पुलाव, माशाल्लाह खुशबू अच्छी आ रही है, तो आप भी बनाइए खाइए, बकरीद का महीना है तो माशाल्लाह सबके घर में मटन होएगा थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर हम ढक्कन डाल के एक मिनट के लिए सिर्फ पकाएंगे। यहाँ देखिए जो मैं कांदा भून करके रखी थी तो इसमें से हम थोड़ा इसमें ऐड कर देंगे, इससे बहुत टेस्ट आता है खाने में, भुना हुआ कांदा है। और थोड़ा थोड़ा सा हम वहाँ पर सजाने के लिए रखेंगे, तो इस तरह से खाना बना लेना। देखिए मेरे पास ये गुलाब जल है, तो इसमें से हम एक ढक्कन गुलाब जल इसमें ऐड कर देंगे। देखिए माशाल्लाह गुलाब भी बन के तैयार हो गए, तो अब हम यहाँ पर चूल्हा बंद कर देंगे। ये देख लीजिए बन गया हुआ है, अच्छे से बन गया है यखनी पुलाव। तो देखिए अब थोड़ा हम सजा लेंगे। गोश्त आप चाहे तो और भी ऐड कर सकते हैं, कम गोश्त में भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है। और ये देखिए इधर मैंने कचुमर बनाई हूँ, तीन तरह का है, इधर पे काकड़ी है और ये कांदा है मतलब प्याज है और गाजर है, ये सब काट के रखी हूँ, हरी मिर्ची है। इधर देखिए और ये अनार है कचुमर सजाने के लिए, इधर देखिए कचुमर के लिए वाइट नमक है और काला नमक है, लाल भुकी मिर्ची पाउडर है और काली हिंदी जीरा पिसा हुआ है और इधर धनिया है। तो सबसे पहले हम पुलाव इसको हम सजा लेंगे, भुना हुआ कांदा इसे सजा के लेना है। धनिया है, धनिया से थोड़ा हम सजा लेंगे। और देखिए नींबू है, नींबू से हम आज सजाएंगे और मिर्ची है और इधर यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा आज मिक्स नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे, थोड़ा वाइट नमक ऐड करेंगे, उसके बाद काला नमक ऐड करेंगे,
हिसाब से ऐड करना है, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये काली मिर्च जीरा पिसा हुआ है, इससे बहुत टेस्टी लगता है खाने में कचुमर। ये लाल मिर्ची है, और इधर देखिए अनार है, अनार से थोड़ा हम सजा लेंगे। तो अगर आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप भी बनाइए, खाइए, खुश रहिए।